नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194A के बारे में। इस सेक्शन 194A के अंतर्गत इंटरेस्ट की इनकम से टीडीएस काटा जाता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटा जाता है। इसी के बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत रेसिडेंट टैक्सपेयर को जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है उसमें से टीडीएस काटा जाता है। तो यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट का पेमेंट करने से पहले उसमें से टीडीएस काटेगा और उसके बाद ही इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। फिर चाहे वो इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे हो, लोन पे हो या एडवांस पे हो। तो यहाँ इस सेक्शन 194A के अंतर्गत इंटरेस्ट का पेमेंट करते समय उसमें से टीडीएस काटना होगा। तो इस सेक्शन 194A के अंतर्गत टीडीएस किसे काटना होता है? इंडिविजुअल और रेचियो डिडक्टर्स को छोड़ के सभी डिडक्टर्स जैसे कि पार्टनरशिप, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट के पेमेंट में से पहले टीडीएस काटना होगा। और इंडिविजुअल और रिजॉब के केस में यदि वो कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसे में उनका ग्रॉस टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि वो कोई प्रोफेशन करते हैं तो उस प्रोफेशन का साल भर में ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, ऐसे इंडिविजुअल और रिजॉब को भी इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सेक्शन 194A के अंतर्गत इंडिविजुअल और रिचियो डिडक्टर्स को छोड़ के सारे डिडक्टर्स को इंटरेस्ट के पेमेंट करते समय उसमें से पहले टीडीएस काटना होगा। और जो इंडिविजुअल और रिचियो टैक्सपेयर्स इस टर्नओवर की कंडीशन को पूरा करते हैं उन्हें टीडीएस काटना होगा। जिस डिडक्टी को इंटरेस्ट का पेमेंट मिलने वाला है उसकी साल भर की इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो ऐसे में वो डिडक्टी फॉर्म नंबर 15G या 15H फॉर्म सबमिट कर सकता है, जिसके बाद उसका टीडीएस इंटरेस्ट की इनकम से नहीं काटा जाएगा। तो अब यह बात कर लेते हैं कि टीडीएस कब काटा जाएगा। यदि साल भर में जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है उसकी अमाउंट अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसमें से पहले टीडीएस काटना होगा, उसके बाद ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। और यदि जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है वो यदि कोई बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस है तो ऐसे में इंटरेस्ट की अमाउंट अगर साल भर में 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही टीडीएस काटना होगा, अगर नहीं तो नहीं काटना होगा। और यदि जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है वो यदि रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो ऐसे में अगर साल भर में इंटरेस्ट की अमाउंट 50,000 रुपये से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा साल भर में इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उसमें से टीडीएस काटा जाएगा। तो यह हम देख सकते हैं कि बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के केस में 40,000 और 50,000 रुपये की लिमिट है, और इनके अलावा जो व्यक्ति इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा उसके केस में 5,000 रुपये की लिमिट है। 5,000 रुपये से ज़्यादा साल भर में इंटरेस्ट का पेमेंट करने पर उसमें से टीडीएस काटना होगा। अब बात कर लेते हैं कि टीडीएस का रेट क्या होगा। तो यहाँ इस सेक्शन 194A के अंतर्गत जो टीडीएस काटना है वो 10% के हिसाब से काटना है। और यदि डिडक्टी का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, इनवैलिड है या डिडक्टी ने प्रोवाइड नहीं किया है तो ऐसी केस में 20% के रेट से टीडीएस इस सेक्शन 194A के अंतर्गत काटा जाएगा। तो इस सेक्शन 194A के अंतर्गत इंटरेस्ट का पेमेंट करते समय उसमें से टीडीएस काटना होगा और टीडीएस का रेट होगा 10%। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।